नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला उपाध्यक्ष तौकीर आलम के नेतृत्व में घोष कंपनी स्थित पार्टी कार्यालय पर झंडा फहराकर मनाया गया, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तौकीर आलम ने बताया कि पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। उन्होंने बताया कि आज के दिन ही कांग्रेस पार्टी का 72 प्रतिनिधियों के साथ 1885 में हुआ था, जिसमें दादा नौरोजी सहित तमाम लोग शामिल थे। उस समय के कांग्रेसियों ने देश को आजाद करवाया और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में आए तो देश हित में बहुत कार्य हुआ, अब राजनीति की परिभाषा बदल गई है। इस अवसर पर अनिल सोनकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसकी स्थापना बंबई में गोकुल के अंदर जो है की गई थी। आज देश के अंदर देश की एकता अखंडता को देखते हुए जो पहले का गुजरा हुआ जो वक्त था, आज के वक्त में जमीन और आसमान का फर्क है। कल जो राज सियासत होती थी वो आम आवाम के लिए होती थी, आज जो सियासत लोग कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तौकीर आलम ने कहा, बड़े ही हर्ष की बात है। आज हम सब कांग्रेस जनों के लिए, पूरे देश के कांग्रेस जनों के लिए ये आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस जो है 1885 में 72 प्रतिनिधियों के साथ ये इसमें इसको जो है बॉम्बे के अंदर गोकुल दास में मनाया गया था। इसमें जो है दादा नौरोजी और तमाम ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने कांग्रेस को जो है धार दिया था, देश को आज़ाद कराया था, देश के अंदर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का काम किया था। उसके बाद से जो कांग्रेस की सत्ता, हम लोग जब सत्ता के अंदर थे उस वक्त से लेके आज तक, वो पहले का दौर भी याद है। पहले का दौर ये था कि जो लोग सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर थे वो आम आवाम के लिए राजनीति करते थे। आज के सियासत में वर्तमान में 2014 के बाद से जो है, जो आज की सियासत 2023 तक की जो सियासत है, इसके अंदर लोग अपनी सियासत कर रहे हैं।